हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे मैंने क्रीमी मसालेदार और बटर से भरपूर प्याज और टमाटर की ग्रेवी में मिलाकर बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया था और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पनीर को मैंने चौकोनी टुकड़ों में काट लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटा हुआ प्याज लिया है, एक छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चौथाई कप काजू, एक तेज पत्ता, चार हरी इलायची, तीन छोटे टुकड़े दालचीनी के, तीन से चार हम लौंग लेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा, तीन कटे हुए टमाटर, स्वादानुसार नमक। सब्जी को तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, तीन बड़े चम्मच क्रीम, डेढ़ कप पानी, दो छोटे चम्मच बटर, दो छोटे चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच चीनी। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाने के लिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को गरम कर लिया है। गरम कढ़ाई के अंदर एक छोटा चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम पूरी तरह से गरम होने देंगे। आप चाहे तो घी के जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादातर ये सब्जी बटर और घी में ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे जीरा, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और हरी इलायची, काजू डाल देंगे और प्याज। अगर आप पनीर बटर मसाले की ग्रेवी तीखी खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर एक कटी हुई हरी मिर्च और दो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर एक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप 5-6 लहसुन के कलियां छील लीजिए। छोटा टुकड़ा अदरक का लेके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग एक छोटा चम्मच तक नमक। ये समय पर नमक डालने से टमाटर और प्याज जल्दी से पक जाते हैं। तो चम्मच लगातार चलाते हुए इसे मैंने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, इसके अंदर प्याज और टमाटर का कच्चापना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि टमाटर को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, ये सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ये मिश्रण पीसने के लिए रेडी है। अगर आप सब्जी के ग्रेवी के अंदर गरम मसाला खाना पसंद करते तो एक खड़ा मसाला ना निकालें, पर मैं इसे निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर से तेज पत्ता निकाल लिया है, क्योंकि मैं इस सब्जी के ग्रेवी के अंदर गरम मसाला पाउडर भी डालने वाली हूँ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे नहीं चाहिए गरम मसाला का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तेज पत्ता, हरी इलायची और दालचीनी को निकाल लिया है। खारी इसके अंदर मैंने लौंग रहने दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो सबसे पहले हमें ये जो मिश्रण है इसे ठंडा करना है। तो इसे हम फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तभी हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसे पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने देते। तो यहाँ पे जो ये मिश्रण था प्याज, टमाटर और काजू का, ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे मैंने ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर लगभग आधा कप तक पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पीस के इसका पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डालने के बाद इसके ऊपर लीड लगा दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इसे पीसना है। तो यहाँ पे अपना ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट बनके रेडी है। फिर से यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को गरम कर लिया है। गरम कढ़ाई के अंदर एक छोटा चम्मच घी डाल देंगे। ये सब्जी खाली बटर में पकाई जाती है, पर गरम कढ़ाई के अंदर खाली बटर डालने से बटर जलने लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी डाला है ताकि बटर ना जले। आप चाहे तो घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम घी और बटर को मेल्ट होने देंगे। तो इस तरह से मिला देते हैं। पनीर बटर मसाला रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो सारी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे घी और बटर गरम होने के बाद ये सारे पाउडर मसाले डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे
लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और ये जलना भी नहीं चाहिए। तो बस इसे मैंने कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर एक पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले पीस के रखा था। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और काजू का जो पेस्ट हमने पीस के रखा था सारा इसके अंदर डाल दिया है। इसे भी हम मिला देंगे। बिना फूड कलर डाले इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो आपको यहाँ पे एक टिप बता दूँ, जब भी घी और बटर गर्म हो जाता है तभी आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। ऐसा करने से इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आता है। गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे मैंने एक दो मिनट तक भून लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने टमाटर और प्याज को पहले से ही भून के रखा था। इसके अंदर आधा कप पानी डाल देंगे। तो हमेशा ध्यान रहे इसके अंदर एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है। तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले आधा कप पानी डाला है। अगर आपको ऐसा लगे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो इसके अंदर आप फिर से थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने इसके अंदर फिर से आधा कप पानी डाल दिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे भी मिला देंगे। अक्सर आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि पनीर बटर मसाले की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ही रहती है, तो इसलिए मैंने इसे गाढ़ा रखा है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। चीनी इसके अंदर डालना ऑप्शनल है, पर हमने इसके अंदर टमाटर बहुत सारे डाले हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टा ना रहे, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी चीनी डाल दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच तक क्रीम। मैंने यहाँ पे रेडीमेड क्रीम लिया है। आप चाहे तो जो दूध के ऊपर मलाई निकलती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। कसूरी मेथी डाल देंगे। दोनों हथेलियों के बीच में इसे रख के इस तरह से मसलते हुए मैंने इसके अंदर डाल दी है। कसूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर हमेशा एक बात का ध्यान रहे, चम्मच लगातार चलाते रहना है क्योंकि हमने इसके अंदर काजू डाले हैं। काजू डालने से ये जो ग्रेवी है नीचे कढ़ाई को चिपकने लगती है, तो चम्मच लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। गैस की फ्लेम लो करने के बाद इसके अंदर हमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पनीर को बिना भुने डाला है। आप चाहे तो तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर या घी डाल के पनीर को थोड़ा सा भुनने के बाद आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम पनीर को इसके अंदर हल्के हाथों से मिला देंगे। पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है तो पनीर ना टूटे इसलिए मैंने इसे हल्के हाथों से मिला दिया है। अगर आप बटर बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ए समय पर इसके ऊपर एक बड़ा चम्मच बटर डाल सकते हैं। अब हम कढ़ाई के ऊपर लीड लगा के गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे ना चिपके। यहाँ पे इसे पका के 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी लीड खोल के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी के ऊपर घी और बटर दिखना शुरू हो गया, यानी कि अपनी यहाँ पे सब्जी पक के रेडी है। इसे बनाना मैंने बहुत ही झटपट और इजी बताया है। आप इसे घर पर बनाएं, मुझे विश्वास है कि आपके परिवार वालों को ये पनीर बटर मसाले की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पे अपना गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बन के रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग बोल के अंदर निकाल लेंगे। आप इसे नान, पराठा, तंदूरी रोटी या जीरा राइस के साथ परोस सकते हैं। इससे पहले मैंने घर पे गार्लिक बटर नान कैसे बनाते हैं, जीरा राइस कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। तो इसे मैंने एक सर्विंग बोल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेते हैं। तो एक कोन के अंदर मैंने क्रीम डाल दिया था और इस तरह से गोल घुमाते हुए क्रीम से हम इसे गार्निश कर लेंगे। ये और भी अच्छा दिखने के लिए अब हम इसके ऊपर एक पुदीने का पत्ता रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से रख देना है ताकि ये और भी अच्छा दिखे। तो आपने देखा इसे बनाना कितना सिंपल था। तो आप बड़ी आसानी से घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। आप इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने और भी पनीर की रेसिपी बनाई है, जैसे कि कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, चिली पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर। ये सारी रेसिपियों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। मेरी ये रेसिपी देखने के लिए और मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।